हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आप दोनों के दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में करंट में क्या चल रहा है और आपके पार्टनर जो कि क्या चाहते हैं आपसे करंट में, कि आपको क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। ठीक है, देखते क्या निकल के आता है। आप दोनों का दिल दिमाग और सबकॉन्शियस माइंड या आपके एनर्जी से सबसे पहले आपका दिल, आपका दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड। आपके पार्टनर का दिल, दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड। ओके, आपके पार्टनर आखिर क्या चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, आपको क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, इनको हम बाद में देखेंगे। आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है करंट में, मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, थ्रू मैसेज द यूनिवर्स इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, या आपके लिए एंजल गाइडेंस है। बॉटम में यहाँ पे क्वीन ऑफ सोल्स। तो यस, आपके पार्टनर स्ट्रांगली जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि एरिस लियो सैजिटेरियस में सिंह धनु राशि टॉरस और कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि के हो सकते हैं। नंबर है यहाँ पे 118 1692 आपके पार्टनर के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपके दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड की बात करती हूँ। तो यहाँ पे बॉटम में क्वीन ऑफ सोल्स है, जो आप दोनों के एनर्जीज है इस रिलेशनशिप में। डेफिनेटली आप दोनों ही जिद पे हो, तू मेरी बात मान तो ही ये रिश्ता स्टार्ट होगा, और आपके पार्टनर भी तू मेरी बात मान तब ये रिश्ता स्टार्ट होगा। दोनों ही रूढ़ बने बैठे और दोनों एक दूसरे के सामने झुकना नहीं चाहते। करंट में इस तरह से चल रहा है आपके इस रिश्ते में। आपके दिल में बहुत ज़्यादा आता है खुद होके बात करना है, कॉल मैसेज करना है, बहुत ज़्यादा उनके साथ जैसे कि मतलब कि उनको स्टॉक बहुत करते हो, उनके सोशल मीडियाज़ के ऊपर आपकी बहुत ज़्यादा नज़र रहती है, इनकी ज़िंदगी में आपकी बहुत ज़्यादा नज़र रहती है। आपका दिल बस यही करता है कि इनकी फ़ोटोज़ देखते रहे, इनके वीडियोज़ देखते रहे और इनकी लाइफ में क्या चल रहा है बस यही देखते रहे। आप दिल से बस यही करते रहते हो, और जो कि दिमाग आपका बता रहा है कि एक बार कॉल करके देखूँ, मैसेज करके देखूँ, क्या पूछ के देखूँ ये क्या कर रहा है, क्या ये मुझे रिप्लाई करेगा, इस तरह के एनर्जीज आपका दिमाग बार बार बता रहा है कि खुद होकर एक्शन लेने के लिए। अगर सामने से रिप्लाई आया अच्छे से तो इस तरह से आप सोच रहे हो, लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे हो, बस सोचता है। आपका दिमाग ऐसे सोच रहा है बात करने को लेकिन आप नहीं कर रहे हो। सबकॉन्शियस माइंड में मिसिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, उनके प्यार को, उनके प्यार के कनेक्शन को, उनका केयरिंग कनेक्शन, आपको लेके कितना लॉयल थे, कितना आपके लिए एडिक्टेड थे, उनकी सारी बातें आपको याद आती हैं कि इतना प्यार करने वाला पर्सन आखिर मुझसे मूव ऑन क्यों हुआ, मुझे छोड़ के क्यों गया। ये इस तरह के एनर्जीज है आपके सबकॉन्शियस माइंड में करंट में। आप अपने इस रिलेशनशिप के पास को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, और जो भी इन्होंने आपके साथ पास में कुछ गलत किया होगा वो बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड से जाती नहीं है। इस तरह से आपका दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड है। अगर आपके पार्टनर के दिल की बात करूँ तो आपसे मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि शायद आप अपनी ज़िंदगी में करंट में बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, आप जैसे कि पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हो, आपका फाइनेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है, जो कि देख पा रहे हैं। जैसे आप इनको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते रहते हो, सेम वो भी आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं। आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है इनके ऊपर इनकी नज़र बहुत रहती है, तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं। इनका दिल कर रहा है कि अब जो कि तुझे उसके पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इस रिलेशनशिप से अगर चला जाएगा यही बेटर है, क्योंकि पहली बात तो ये आपकी कंडीशन मान नहीं सकते, इनको अच्छे से पता है, और जो कि आपकी कंडीशन नहीं मान सकते तो आप इस रिलेशनशिप में आओगे भी नहीं। तो इससे बेटर है कि ना पूछा जाए और चुपचाप से बात ही ना की जाए। ये मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे, लेकिन जो कि दिल से नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको आज भी बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपके एनर्जीज को बिल्कुल भी नहीं भूले हैं। इनका दिमाग इनको बता रहा है कि अगर ये आपके लिए एक्शन लेते हैं ना, तो आप इनकी ओर देखोगे भी नहीं। करंट में आप अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो, अपनी ज़िंदगी में हैप्पी हो, एन्जॉयमेंट आपकी चल रही है, आपका इग्नोरेंस इनसे कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा। इसी वजह से इनका दिमाग बता रहा है कि नहीं, तुझे बात नहीं करनी चाहिए। इनका सबकॉन्शियस माइंड में ये बात फिट है
कि यस मैं तेरे पास आऊँगा, प्लानिंग चल रही है कि मैं कैसे जाऊँगा, क्या करूँगा, अगर इस रिलेशनशिप में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी आ चुकी थी तो उस रोमांटिक थर्ड पार्टी को मैं कैसे निकाल सकता हूँ, और आपके पास मतलब जो आप चाहते हो वो आपको कैसे दे सकता हूँ, इस बारे में बातें जो कि हमेशा चलती रहती है। तो इनका सबकॉन्शियस माइंड में कभी भी आपको आपको लेके मोहन करने के ख्याल नहीं आते हैं इस तरह की एनर्जी से, ठीक है। तो ये आप दोनों का दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड था। हम देखते हैं कि आपके पार्टनर आखिर आपसे चाहते क्या है इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। तो यस, जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली, इनको थर्ड पार्टी का कार्ड आ चुका है, रोमांटिक थर्ड पार्टी है इस रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया था और डेफिनेटली किसी और से या तो शादी कर ली थी घर वालों की मर्जी से, और जो कि बाद में ये बहुत ज़्यादा प्रे करने लगे इस थर्ड पार्टी को अपनी ज़िंदगी से निकलवाने के लिए। आपके पार्टनर करंट में यही चाहते हैं कि आप जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो थर्ड पार्टी को लेके, और जो आप जिद कर रहे हो थर्ड पार्टी को निकलवाने की कि उसको निकालो तभी जाके हम रिश्ता स्टार्ट करेंगे, तभी हम बात करेंगे, नहीं तो जो कि तू मेरे पास मत आ। तो ये चाहते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा जस्टिस जस्टिस करते रहते हो कि तूने मेरे साथ गलत किया, और जो कि शायद तू कभी अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रह पाएगा। आपने जो भी बद्दुआएं दिए वो बद्दुआएं तो उनको लग चुकी है, वो अपनी ज़िंदगी में हैप्पी तो बिल्कुल भी नहीं है। ये पर्सन रात रात भर सोते नहीं हैं, जो कि सोर्स में हमेशा, मतलब कि देखो आप, 3 सोर्स ऊपर से आ रहे हैं, 1 सोर्स नीचे है जो कि यहाँ पे सोया है। तो ऐसे सिचुएशन में कोई भी पर्सन कैसे सो सकता है, आप सोचो। तो ये आपको यही बता रहे हैं कि मैं मेरी ज़िंदगी में सच में हैप्पी नहीं हूँ, लेकिन इस थर्ड पार्टी को निकलने के लिए टाइम लगेगा। ये प्लानिंग डेफिनेटली बनाएंगे, लेकिन ये सब कुछ जल्दी जल्दी में नहीं होता है। तो ये चाहते हैं कि आप इनको समझने की कोशिश करें। ये इस रिश्ते के ऊपर डेफिनेटली वर्क करेंगे, लेकिन आपको इनके ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। आपको जैसे कि इनकी तरफ से प्रोटेक्शन की एनर्जीज फील होती है कि ये तो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, तो आप ऐसा सोचना बंद करें। ये आपको बता रहे कि ये सब कुछ ठीक करेंगे और आप जो चाहते हो वो भी आपको देंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा। और जो कि कंडीशन मत रखो, ये दीवार अगर आप खड़ी करके रखोगे तो शायद आपके पार्टनर कभी भी आपके पास नहीं आ पाएंगे, इस तरह के एनर्जीज है। अगर आप इस रिश्ते को चाहते हो तो आपको मिराकल के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा कि यस, आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली जादू होगा, आपके पार्टनर आपके पास आएंगे, इनका कन्फ्यूजन हटेगा आपको लेके, और जो कि आपको सॉरी भी खुद बोलेंगे जो भी इन्होंने आपके साथ किया है। आपको इन बातों पे भरोसा करना है। आपके पार्टनर आपसे करंट में यही चाहते हैं कि आप इनकी बात माने, तो आप जो कि नहीं मान रहे हो। आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है करंट में? यस, एंजल गाइडेंस यही है कि आप जितना नेगेटिव रहोगे उतना ही नेगेटिविटी अपने ज़िंदगी में अट्रैक्ट करोगे। आपको पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। आप इनके बिना बहुत ज़्यादा इस तरह के एनर्जीज में, आप देख सकते हो दोनों लोग जिस तरह से, मतलब मेरी ज़िंदगी में शायद कभी खुशियाँ आएगी ही नहीं, इस तरह की सोच इनकी बन चुकी है। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है, आपको थोड़ा पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। अगर एक बार आप पॉजिटिव हो जाते हो ना, तो ये सब कुछ आपकी ज़िंदगी में चेंज हो जाएगा। अगर आप देखोगे इस विंडो के बाहर पेंटेकल्स आपका इंतज़ार कर रहे हैं, मतलब कि खुशियाँ आएगी आपकी ज़िंदगी में। लेकिन अगर आप करंट में नेगेटिविटी से घिरे रहें तो फिर ये खुशियाँ आपसे दूर ही रह जाएगी। तो यूनिवर्स आपको यही बता रहे कि आपको इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एफर्मेशंस की ज़रूरत है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करो, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को यूज़ करो, और भगवान पे भरोसा रखो, तब जाके सब कुछ ठीक होगा। इस तरह से आपके लिए एंजल गाइडेंस आया है, ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग कराना है, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, वहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।